हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तो मुझे अभी जाके टाइम मिला है। अभी मेरे छोटे बेटे का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम तो उसका डन हो चुका है। उसका मैथ्स का रिटर्न का एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम तो उसका भी डन हो चुका है। अभी मैं किचन में आ गई थी देखने के लिए अब क्या कर सकती हूँ। एक तो जब उसका एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें मैथ्स के एग्ज़ाम में तो बहुत समझाना पड़ता है, क्योंकि उसे कई बार क्वेश्चंस में रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, उसको वो चीज़ समझ नहीं आ पाती। जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सबके साथ ही होती होगी कि बच्चे ना क्वेश्चंस को उतने अच्छे से अंडरस्टूड नहीं कर पाते। जब स्कूल जाते थे तो अच्छे से समझ लेते थे, लेकिन घर पर बताना ही पड़ता है। और हाँ, अब मैंने आप लोग को एक नंदा देवी के मेले के बारे में बताया था, अगर आपने मेरे पिछला व्लॉग पहले का व्लॉग देखा होगा तो उस व्लॉग में अभी मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आके खड़े हो गए। एक बार मैं आपको उन दोनों से मिलवा देती हूँ। हेलो। ये भी बाहर संभालने निकले गया था कुछ, इस वजह से दोनों भी मास्क में है। तो दोनों को आज ब्रेकफास्ट में हाँ नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते। तो दोनों का आज ब्रेकफास्ट में, कह रहे थे कुछ और बना दो, इसलिए आज फिर मैंने ब्रेकफास्ट में इन लोगों के लिए जवे बनाए थे। दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट, वो मुझसे बॉक्स खुल नहीं रहा है। ब्रेकफास्ट में तो जवे बनाए हैं मैंने इन लोगों के लिए, देखिए। ये इन्होंने भी बचा भी दिए हैं, तो रखे हुए हैं। अभी कार्तिक जी हमारे कह रहे हैं कि मैं इसको, तो चलो कार्तिक के लिए सही ख़त्म तो करें ये लोग एटलीस्ट। चलो मुझे जवे मिल गए। देखिए कितना हैप्पी हो गए जवे खा के। इसको इसको एक्चुअली जवे बहुत ज़्यादा पसंद है कार्तिक को। तो अभी मेरा लंच का भी मैंने तैयारी वैसे कर चुकी हूँ, तो देखती हूँ लंच ये लोग कितने बजे तक करते हैं, इनका ब्रेकफास्ट डन हो जाए। अभी एक्चुअली मैं जो मेले के बारे में बता रही थी, हम लोग उस मेले में जा भी नहीं पाए, क्योंकि एक्चुअली वो जो मेला है आज उसका लास्ट डे है। हमने सोचा तो था कि शायद हम जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरोना की वजह से हमें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ भाड़ में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस वजह से हमने सोचा रह नहीं दे जाने को, तो फिर हम लोग नहीं गए। आज वहाँ पे क्या है, आज वहाँ पे मूर्ति विसर्जन है, जैसे जो वहाँ पे पूजा वगैरह जिस मूर्ति की होती है उसका विसर्जन होता है यहाँ पे, तो उसका आज विसर्जन है। तो हम लोग का जाना नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से ही नहीं तो, वैसे भी अभी क्या कहते हैं, नवरात्रि स्टार्ट होंगे, तो नवरात्रों में भी यहाँ मंदिरों में बहुत अच्छे से पूजा वगैरह होती है। हम जिनके यहाँ रहते हैं उन्होंने हमें बताया था, तो हम देखेंगे नवरात्रों में जाएंगे फिर मंदिर घूमने। तो आप या उससे पहले वैसे भी जा सकते हैं, कभी गई तो फिर मैं आपसे वहाँ का व्लॉग शेयर करूँगी। अभी मैंने सब्जी चढ़ा रखी थी कि देखते हैं सब्जी बन चुकी है। अभी बच्चे कह रहे हैं कि आज उसके साथ क्या खाएंगे, तो देखते हैं। पूड़ी का मूड है आज, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है क्योंकि उसके साथ बच्चों को पूड़ी बहुत पसंद है। तो देखती हूँ अभी लंच में क्या बनाती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। गर्मा गर्म पूड़ी एंड आलू की सब्जी फॉर लंच। जिस जिसको टेस्ट करनी है वो आके टेस्ट कर सकते हैं। आप सबको वेलकम है लंच के लिए। अभी हम लोग अपना लंच वगैरह कर चुके हैं, तो अभी मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो इसलिए मैं और बच्चे जो हैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो यहाँ से 10-15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग इसलिए वॉक करके भी जा रहे हैं उनके ऑफिस, क्योंकि फिर मुझे वहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी है अपने लिए और बच्चों के लिए। तो मैं आपसे फिर वहाँ से आने के बाद मिलती हूँ। और मेरे हस्बैंड के ऑफिस से वहाँ अल्मोड़ा का व्यू भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो मैं वहाँ मार्केट से अगर कोई वीडियो बना पाती तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कितना खूबसूरत दिखता है वहाँ से अल्मोड़ा। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए बच्चों के साथ, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ स्काई, कितने अलग अलग कलर के बादल दिख रहे हैं यहाँ पे। और एक बिल्कुल छोटा सा स्टार भी दिखाई दे रहा है।
ये यहाँ का इवनिंग व्यू है। आज कार्तिक कह रहा है कि व्लॉग का एंड वो करेगा, तो गाइस तो बाय गाइस, अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय फ्रॉम K2V2 व्लॉग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर मौज बनाओ। और घर पे रहो सेफ, और व्लॉग्स डेली देखोगे तो मौज मिलेगी। तो डेली देखो व्लॉग्स और स्टे सेफ। बाय। बाय।